सबसे पहले वर्ड की बात करते हैं, दैट इज कोर्स, COERCE, कोर्स। कोर्स का मतलब क्या होता है? कोर्स का मतलब होता है किसी को मजबूर करना कुछ पाने के लिए, मतलब कि सॉरी किसी को मजबूर करना क्या करने के लिए, किसी को कुछ करने के लिए मजबूर करना, जिसको कहते हैं जबरदस्ती। व्हाट डू वी कॉल इन हिंदी? जबरदस्ती। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोर्स, 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 टू फोर्स समबडी टू डू समथिंग, फॉर एग्जांपल बाय थ्रेटनिंग हिम और हर, किसी को धमकाते कुछ काम करवाना, दैट इज कॉल्ड कोर्स। इसका एडजेक्टिव है जी कोर्सेबल। एक और इसका एडजेक्टिव बनता है कोर्सिव, एडवर्ब इज कोर्सिवली, एंड नाउन इज कोर्शन, एंड नाउन इज कोर्शन, COERCION, दिस इज कॉल्ड नाउन। तो इसका कोर्शन जो है नाउन हो गया। तो बच्चे कोर्स का मतलब होता है किसी को कुछ करने के लिए मजबूर करना, धमकी से, डांट के, फटकार के। देते हैं ऐड फॉर यू टू मेक यू अंडरस्टैंड, आपको समझाने के लिए एक ऐड है जो बताएगी आपको कि भैया कोर्स का मतलब क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। सो लेट्स सी द ऐड, हैव यू कॉपीड? कोई चीज जो बहुत बड़ी है, दैट इज कॉल्ड कोलोसल, दैट इज कॉल्ड। चलिए प्लीज एंटर द स्लाइड। चलो मैं आपको बताता हूँ, दुनिया के अंदर अगर कोई देश है जो सबसे बड़े डैम बना सकता है तो दोस्तों वो चाइना। चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है तो दुनिया के सबसे बड़े डैम बना सकता है। अच्छा अगर मेरे पास फॉर एन एग्जाम्पल आई हैव वाटर टेक्नोलॉजी और उस टेक्नोलॉजी का यूज नेगेटिव वे में करना शुरू कर दूं, तो कहने का मतलब ये है कि मैं दूसरे देशों को काफी नुकसान पहुंचा सकता हूं। जैसे मैं दो टेक्नोलॉजी का नाम बताता हूं आपको। चाइना के पास सबसे फाइन टेक्नोलॉजी है किस चीज को लेकर के? बरसात को कराने को लेकर के। और दूसरी सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी उसके पास डैम्स बनाने की। तो पता उसने क्या किया? उसने भैया बहुत बड़े बड़े क्या बनाने शुरू कर दिए, बहुत बड़े बड़े डैम बनाने शुरू कर दिए ऑन द ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र के ऊपर। अच्छा उससे होगा क्या? उससे ये होगा, जैसे भी गर्मी का टाइम चल रहा है तो गर्मी के टाइम में क्या होता है, जो नदियां होती है वो श्रिंक करती हैं, और जैसे बरसात का टाइम आता है तो वो क्या होते हैं, नदियां एक्सपेंड कर जाती है, बाढ़ आ जाती है। अरे बाढ़ क्या है? एक्सपेंशन ऑफ रिवर है। तो अब वो क्या करेगा? डैम बना रहा है, इतने बड़े बड़े डैम बना रहा है कि गर्मियों में पानी रोक लेगा तो आगे की फसलें सूख जाएगी। जो इंडिया में पानी आ रहा है वो सूख जाएगा। आपको मैं बता देता हूँ, जो हमारे सेवन सिस्टर्स हैं, जो हमारे सात राज्य हैं, उन्हें बोला जाता है बोल ऑफ राइस, बोल ऑफ राइस मतलब चावल का कटोरा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि पानी की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा चावल पैदा होता है। इंडिया वन ऑफ द एक्सपोर्टर ऑफ राइस, इंडिया एक्सपोर्टर भी है राइस का बहुत बड़ा, ठीक है। अब वो क्या करेगा, गर्मी में उसको पानी को रोक लेगा तो फसल को पानी मिलेगा नहीं, तो हमारी फसल एक नुकसान तो हमें ये। जैसे ज्यादा बरसात आएगी खोल देगा, पानी ज्यादा आ जाएगा, जो हुई फसल वो भी खत्म, और प्लस में हमें बाढ़ का सामना भी करना पड़ेगा। सो व्हाट काइंड ऑफ डैम्स आर बीइंग मेड बाय द चाइना ऑन ब्रह्मपुत्र? कोलोसल डैम्स। व्हाट काइंड ऑफ डैम्स? कोलोसल डैम्स। जब बहुत ही बड़ा, बहुत विशाल को क्या बोलते हैं? कोलोसल। तो इसको पता है क्या बोलते हैं? जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, वो कहते हैं दिस इज वॉटर कैनन, दिस इज वॉटर कैनन। वॉटर कैनन सुना है तुमने कभी? सुना है वॉटर कैनन?
देखिए एक्चुअल में होता क्या, तुमने देखा होगा जब प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं तो पुलिस क्या लेकर के आती है, वाटर कैनन लेकर के आती है। वाटर कैनन इतनी पावरफुल होती है कि एक व्यक्ति को लगभग 10 मिनट फेंक सकती है, मतलब जो डायरेक्ट उसके कॉन्टेक्ट में आ गया वो तो मर ही जाता है डायरेक्ट। अगर अगर ऐसे कर रहे हैं वो, अगर तुम उसके कॉन्टेक्ट में आगे सामने पानी के, तो आपको लगभग 10 फीट या 10 फीट पीछे फेंक देती है वो, तो ये इसको